नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वैच्छिक इंडिया न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में नगर निगम निकाय चुनाव हो रहे हैं और विभिन्न शहरों में मेयर सभासद प्रत्याशियों के बीच चुनाव एजेंडों की भरमार है, एक जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में स्वैच्छिक इंडिया ने भी तमाम प्रत्याशियों के विचार आपके समक्ष रखने का एक संकल्प लिया है। आइए प्रस्तुत करते हैं एक प्रमुख वार्ड के प्रत्याशियों के विचार और उनके एजेंडे। तिवारीपुर वार्ड में मुस्लिम इलाके को नजरअंदाज किया गया। सोनू त्रिपाठी तिवारीपुर के तारबगिया में नाला बजबजा रहा है। उत्तर प्रदेश नगर निगम के चुनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। आज वार्ड नंबर 58 के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सोनू त्रिपाठी ने पत्रकार से बातचीत में बताया कि वार्ड 58 के तिवारीपुर इलाके के पार्षद कैलाश पांडेय ने इलाके का विकास न करके अपना विकास ज्यादा किया है। हरी मस्जिद के पास नाले बजबजा रहे हैं। मुस्लिम इलाके में काम करना तो दूर नजर ही नहीं आए। अगर कोई समस्या लेकर जाते तो घमंड में कहते थे हमें मुस्लिम ने वोट नहीं दिया है। राम अवतार महाना जनसमुदाय केंद्र में कहने को गरीब के लिए बनाया है, लेकिन 1,00,000 रुपए तक वसूला जाता है, जिससे जनता में बेहद आक्रोश है। लाल पानी की टंकी की 10 साल से सफाई नहीं हुई है। नलों में गंदा पानी आ रहा है। पाक पर ताला बंदी करके केवल अपने चहेते को दिया जा रहा है। सत्ता पक्ष में होने के कारण हमेशा घमंड में चूर रहते हैं। आरसीसी सड़कों को पाट कर खर्जा बिछा कर लाखों रुपए की कमाई की गई। जनता हर बात को समझती है। पिछले 10 साल का जो है आज वार्ड 58 के सपा के प्रत्याशी से हम बात करना चाहते हैं। सोनू त्रिपाठी जी, आपको यहाँ पे क्षेत्र पे क्या समस्या सबसे ज्यादा नजर आई आपको? इस क्षेत्र का पिछले 10 सालों से पूर्ण रूप से अपेक्षा की गई है। यहाँ पर विकास के नाम में एक भी पैसा नहीं खर्चा किया गया है। यहाँ इस क्षेत्र में ना ही पीने का पानी है, ना ही चलने के लिए सड़कें हैं, ना ही रोड की लाइटें हैं। हमारे बगल में नाला बह रहा है, उसकी स्थितियाँ देखिए, कितनी बीमारी उससे पैदा हो रही है। किसी भी प्रकार का कोई भी विकास का कार्य यहाँ पर नहीं किया गया है पिछले 10 सालों में। यह क्षेत्र पूर्ण रूप से अपेक्षित रखा गया है। सबका साथ और सबका विश्वास का नारा देने वाले लोग यहाँ पे पूर्ण रूप से इस क्षेत्र को नज़रअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इस क्षेत्र की जनता कह रही है, इस क्षेत्र की स्थितियाँ कह रही हैं। इसको आप देख सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं और सुन सकते हैं। क्यों भाजपा के कार्यकाल में 10 वर्षों से उन्होंने केवल तिवारीपुर वार्ड या उसी में क्षेत्रों में काम किया, हिंदू बाहुल क्षेत्र में काम किया? किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। हिंदू बाहुल क्षेत्रों में पीने का पानी नहीं है, टंकी की सफाई नहीं हुई है, पार्कों पे कब्जा किया जा रहा है, पार्कों का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, सामुदायिक केंद्रों का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, पार्कों में तालाबंदी की गई है। सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद और अपने घमंड से कार्य किया जा रहा है। कोई भी विकास कार्य किसी भी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में नहीं किया गया। सबसे ज्यादा समस्या किस क्षेत्र में है? इस वार्ड में सबसे ज्यादा अपेक्षित क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और उसके बाद हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में भी समस्याएं लगातार बनी हुई है। जन समुदाय केंद्र बनाया, जन समुदाय केंद्र के लोग समस्या बता रहे हैं कि वहाँ पैसा ज्यादा लिया जाता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जन समुदाय केंद्र को नाम तो दिया गया है कि वह सामुदायिक केंद्र है, लेकिन उसमें पैसा एक प्राइवेट गेस्ट हाउस से भी ज़्यादा लिया जा रहा है और उसकी किसी भी प्रकार से कोई रसीद नहीं दी जा रही है। सिर्फ जनता के साथ छल किया जा रहा है और अपनी झोली भरी जा रही है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।